हियर वी गो विद एंड्रॉयड आर। अभी फिलहाल मैं Redmi के Note 5 Pro डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड आर यूज कर रहा हूँ और इस वीडियो में आपको फुल इसका इंस्टॉलेशन मेथड और छोटी मोटी प्रीव्यू भी आपको शो करूंगा कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन पे आपको आर लिखा हुआ आ रहा है जो कि फिलहाल नॉन क्लिकेबल है, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको 5 मार्च 2020 का सिक्योरिटी पैच है, 1 जनवरी 2020 का सिक्योर गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है, यहाँ पे एसेंस का कर्नल यूज किया गया है, इरफान का ये टूल के थ्रू जो मेट किया गया है GSI, जो कि डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिजिटल वैल्यूइंग सब कुछ सेम टू सेम मिलता है। सिस्टम पे आपको एंड्रॉइड 10 का जो फुल बेनिफिट मिलता है वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है, जिसमें कोई भी चेंज है जो नहीं किया गया है। आगे की अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट जो कि काम करता है कुछ कुछ डिवाइसों में, कुछ डिवाइसों में काम नहीं करता है, तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट यूज कर पाओगे। नेटवर्क है जो शो कर देता है बट नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप कॉलिंग वगैरह कुछ भी इस टाइप के चीजें जो अभी नहीं कर सकते, ये फर्स्ट बिल के साथ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे लेआउट्स वगैरह आपको जो सेम टू सेम एंड्रॉइड 10 टाइप के देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको डार्क मोड में शेड्यूल ऐड कर दिया गया है, तो आप शेड्यूल के अनुसार डार्क मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कभी कभी ये सिस्टम UI नॉट रिस्पॉन्डिंग भी है जो शो कर देता है, तो यहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत है थोड़ा सा, तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आप इसे डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाओगे, बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे। ये सारे यूजर इंटरफेस आपको सेम टू सेम एंड्रॉइड 10 जैसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट बिल्ड है तो धीरे 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 करके इसमें जो काफी ज्यादा जो चेंजिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे PPH ट्रेवल सेटिंग आपको ऊपर की ओर देखने को मिल जाता है, जिसमें डिवाइस डोज और MIC दिखाई देता है। नेटवर्क टाइप वगैरह सबको सेम टू सेम देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट इतने ही आपको ऐप देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ना ही कोई गैलरी है, ना ही आपको यहाँ पे कैमरा का सपोर्ट अभी तक दिया गया है, तो वो सारी चीजें आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। फाइल मेजर की बात करें तो जो फाइल मेजर हमें एंड्रॉइड 10 पे देखने को मिलता था, सेम वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं डायरेक्ट इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स के ऊपर कि हमें इस पे इंस्टॉल कैसे करना है हमारे Redmi के Note 5 Pro के डिवाइस के अंदर। सो गाइज, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे 3 फाइलों की जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट आपको जो वेंडर की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड आपको जो परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और थर्ड आपका जो पिक्सल ABR जो कि एंड्रॉयड आर है इसकी जरूरत पड़ेगी। इन तीनों फाइलों को डाउनलोड कर लेना है। ये आपको जो इमेज फाइल है 7JPEG के फॉर्मेट में आता है, जिसे आपको अनजिप करना होगा और उसके बाद आपको जो आगे का प्रोसेस जो फॉलो करना है, तो अपने फोन को स्विच ऑफ करके डायरेक्ट लेके जाना है आपको अपने रिकवरी के ऑप्शन पे। आप कोई सा भी फेवरेट रिकवरी अपना यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे टीवी पे बूट करते हो, आप अपने जो भी रोम यूज करो उसका बैकअप ले लो, क्योंकि ये एंड्रॉयड जो क्यू है ये फुल्ली वर्केबल नहीं है। तो आप वापस रिस्टोर आना चाहते हो तो ये हेल्प करेगा, या फिर आप न्यू रोम फ्लैश कर सकते हो। अब आपको आना है वाइप के ऊपर, एडवांस पे आपको क्लिक करके जितने भी ऑप्शन यहाँ पे नजर आते हैं सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिवाय यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज को और माइक्रो एसडी को। कंप्लीट वाइप के बाद आपको होम पे जाना है, इंस्टॉल पे जाना है, अपने फाइल को ब्राउज करना है जहां पे आपने जो फाइलों को पुट किया है, और इस इंस्टॉल IMG पे आपको जो टैप कर देना है। अब आपके जो फाइलें शो हो जाएगी पिक्सल ABR, इसे सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे जो सिस्टम इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और फ्लैश कर देना है। आफ्टर कंप्लीट फ्लैश आपको बैक पे टाइप करना है, अगेन बैक पे टाइप करना है, इंस्टॉल जिप पे फिर से टाइप कर देना है ताकि आपके जिप वाली फाइलें हैं जो शो कर जाए। अब आपको यहाँ पे जो AICP का जो वेंडर है उसे सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। इसके कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको सबसे लास्ट स्टेप में परमिसिव V5 का जो यूज करना है। तीनों फाइलों की फ्लैशिंग कंप्लीट होते ही आपको रिबूट पर टाइप करके थोड़ा सा वेट करना है अपने एंड्रॉयड आर के बूट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ टाइम कंप्लीट होते ही आपका जो फोन बूट अप कर जाएगा। हम सेटिंग की ओर बढ़ते हैं, सबसे लास्ट की ओर आते हैं जहाँ पे अबाउट फोन देखने को मिलता है और यहाँ पे एंड्रॉयड आर देखने को मिल जाता है। सो गाइज, फाइनली यहाँ पे एंड्रॉयड आर बूट कर चुका है, और रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट फॉर अ डेली ड्राइवर, दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग रोम, सो डोंट यूज इफ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस, सो ऑल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।